मेरा नाम मनुकृति पाहवा है। क्या कुछ मैसेज फिल्म के माध्यम से हरियाणा वासियों को आप देने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम जो सिचुएशन आदमियों की सोसाइटी पे उस पर बात करेंगे। हमेशा औरतों को लेकर तो बात होती रहती है, इस बार हम इसीलिए नाम भी पिक्चर का है ये बेचारा मर्द। सो मर्दों की जो एक दुविधा है उसको लेकर ये फिल्म बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छा मैसेज होगा। सो होपफुली देखते हैं। थैंक यू विजेंद्र जी। फिल्म बना रहे हैं हरियाणा में? जी जी। पहले भी कोई फिल्म बनाई हरियाणा में? मैंने मतलब फिल्म तो नहीं, मतलब शूटिंग की हुई है। मतलब हमने की थी मेरठ गैंगस्टर की शूटिंग की थी, और मोस्ट प्रोबेबली जो है मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मुझको अक्सर मौका मिले यहाँ आने का, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत में ही कहा कि भाषा शब्दावली में जो रोचकता है, वो जो हास्य है, या मतलब जो गंभीरता है जो कि आप इस भाषा की सहजता से आप बदला सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ जो है जो कि पहले भी हैं और नई भी लिखी जानी चाहिए। तो मतलब इस परिवेश में जितना काम ज़्यादा हो सकता है वो अभी हुआ नहीं है उस तरीके से, तो ख़ास तौर से मतलब हिंदी सिनेमा के नाम पे। तो वो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि वो अग्रसर हो, उसमें मतलब थोड़ी और बढ़ोतरी मिले। फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो हरियाणा में क्या कुछ देखते हैं आप, कितनी कमियाँ देखते हैं? कमियाँ क्या, मतलब मेरे को अभी इतनी जानकारी नहीं है कि मतलब कि यहाँ अभी हरियाणा सिनेमा की क्या स्थिति है ना, लेकिन मैं हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ कि मतलब हिंदी बेल्ट में अगर हरियाणा का समावेश होगा तो वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर होगा, कि ना लोग लैंग्वेज का और मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि मतलब सिर्फ हरियाणा के अंदर ही अंदर जो लेते हैं ना, एंटरटेन करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि वो रोचकता जो है पूरे देश में फैले। गाँव प्याला में क्या आयोजन है इसका? आज गाँव प्याला में एक कहता हूँ, एक फरीदाबाद के लिए एक शुभ दिन है कि आज यह ये मर्द बेचारा नामक एक कॉमेडी फिल्म जो आज यहाँ से शूट होना की शुरुआत हुई है, तो उसके विधिवत उद्घाटन में यहाँ पर प्याला गांव में, जिसकी शूटिंग बहुत सारी फरीदाबाद और हरियाणा के अन्य भागों में होने जा रही है, और प्याला गांव से इसकी शुरुआत हो रही है, तो ये फरीदाबाद के लिए एक शुभ संकेत है कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो नीति, फिल्म नीति जो बनाई है, उससे लोग लाभान्वित होते जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। चाहे अभी पहले छोरियां छोरों से कम नहीं सतीश कौशिक जी की फिल्म आई, अब ये दूसरी फिल्म का हरियाणा के अंदर बना हुआ, तो इससे पता लगता है कि जो नीति है वो लोग लुभावनी नीति है, और हरियाणा को और हरियाणा के कल्चर को विश्व के मानचित्र पर ले जाने का काम कर। क्या कुछ सुविधाएं दे रही है सरकार? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो व्यक्ति हरियाणा के कल्चर पर फिल्म बनाएगा, या हरियाणा के कलाकारों को लेगा, या हरियाणा से रिलेटेड कोई स्टोरी पर फिल्म बनाएगा, उसे उसकी लागत का 50% तक सब्सिडी देने का उसको उस हेल्प करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, और हरियाणा सरकार फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एक फिल्म सिटी का भी निर्माण जल्दी कर रही है। मंत्री जी, आप इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले इसके लिए क्या कदम उठा जा रहे हैं? मैंने कहा ना, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने के लिए इतनी, आपने देखा कि लोग लुभावनी फिल्म नीति बनाने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया, और आपका आने वाले चंद महीनों में देखेंगे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की बाढ़ लग जाएगी, और हरियाणा के कल्चर को पूरे देश और विश्व के अंदर स्प्रेड करने का काम ये फिल्म नीति करेगी। फरीदाबाद में विकास ना होने देने का आपने आरोप लगाया, कौन लोग हैं वो जो विकास में रोड़ा बन रहे हैं? अरे भैया, कौन लोग, जो भी लोग इस विकास के अंदर रोड़ा बन रहे हैं, मैंने कहा ना कि चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे कोई धर्म युद्ध हो, चाहे विकास की बात हो, हमेशा जीत सत्य की होती है और सत्य की रहेगी।